तो आखिर में डीसी ने फाइनली अपने यूनिवर्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी यानी सुपरमैन सीरीज को लेकर दिया एक बड़ा बयान। हेनरी कैविल जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में 2013 से लेकर 2022 तक सुपरमैन का रोल प्ले कर चुके हैं, अब फाइनली डीसी ने नए सुपरमैन को हेनरी कैविल की सुपरमैन कैरेक्टर के साथ रिप्लेस किया है। कौन है ये नया सुपरमैन और ये नया सुपरमैन की मूवी कब तक आएगी, सब कुछ बताएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। देखो, सुपरमैन सीरीज की पहली मूवी 1978 में आया था जिसका एक्टर था क्रिस्टोफर रीव। फिर 1980 में क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन 2 और उसके 3 साल बाद सुपरमैन 3। फिर आई सुपरमैन 4। इसके बाद 2006 में ब्रैंडन राउत की सुपरमैन रिटर्न्स। इस पिक्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि 390 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई के साथ सुपरमैन सीरीज की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई थी। उसके बाद 2013 में हेनरी कैविल की मैन ऑफ स्टील। इस बंदे की एक अलग ही स्टारडम थी। सुपरमैन की कैरेक्टर को ये सिर्फ प्ले ही नहीं करता बल्कि हेनरी कैविल सुपरमैन की कैरेक्टर को जीता था। मुझे तो लगता है कि अगर दुनिया में असली सुपरमैन होता तो वो शायद हेनरी कैविल जैसा ही दिखता। फिलहाल हेनरी कैविल के बाद अब नए सुपरमैन की कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं डेविड कॉन्सवेट। सुपरमैन की अपकमिंग मूवी सुपरमैन लेगेसी जो कि 2025 में आने वाली है, वो डेविड कॉन्सवेट ही सुपरमैन की कैरेक्टर को प्ले करेगा। वैसे इन सारे सुपरमैन में से आपको कौन सा पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज से रिलेटेड जबरदस्त जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।